Health officials in the district ruled out rumors about an HIV outbreak. जी हाँ, HIV outbreak देखने को मिला in respective districts में. दोनों Noida और Ghaziabad में ये पाए गए, जहाँ पे डॉक्टर्स ने वार्न किया the potential risk of HIV transmission linked to tattoos. अगर नीडल्स प्रॉपरली स्टेरलाइज ना किए गए हो या रिप्लेस ना किए गए हो बिटवीन यूजर्स. रिसेंटली रूमर्स सर्कुलेट हो रहा है इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया सजेस्टिंग दैट 68 वुमेन इन द डिस्ट्रिक्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई फॉर HIV और उन्होंने डेवलप किया एड्स, विद एटलीस्ट 20 रिपोर्टेडली हैविंग टैटूज, जिसको लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली डिनाई किया है ऑन ट्यूजडे. एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो रिलीज हुई थी ऑन ट्यूजडे, हेल्थ डिपार्टमेंट का ये कहना था कि रिगार्डिंग द न्यूज जो पब्लिश हुई थी इन द न्यूज़पेपर लास्ट डे, 20 वुमेन बिकेम विक्टिम्स ऑफ HIV इन 4 इयर्स ड्यू टू टैटूइंग. डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल ऑफिसर ने स्टेट किया कि नो सच डेटा रिलीज हुआ बाय द डिपार्टमेंट, नॉर वॉज एनी स्टेटमेंट गिवन टू एनी न्यूज़पेपर बाय द एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स whose names were published in the newspaper. Necessary action जो है वो under process चल रहा है by the department as per rules regarding the said news. Department does not confirm any such data. However, health department जो है उन्होंने deny नहीं किया the possibilities कि HIV spread हो सकती है through many ways. Reusing tattoo needles जो है वो one of the prominent ways रहता है. क्या कहना आपका इसके बारे में, हमें comment section में जरूर बताएं.